जय श्री राम। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे श्री रामचरित मानस लिख पाए। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद पता चलेगा कि हनुमान जी ही इस कलयुग के जागृत देवता है, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शर्त यह है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुकर्मी का साथ तो कोई नहीं देता। मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरह के कष्ट मिट जाते हैं। सबसे पहले बजरंग बाण। बजरंग बाण हमको बचाता है हर संकट से। बहुत से व्यक्ति अपने व्यवहार और कार्य से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु भी बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। इस पाठ से 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहने से हर संकट से बचा रहता है व्यक्ति। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर जेल का संकट भी कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने गलत कामों के कारण जेल हो गई हो, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी प्रकार के गलत काम न करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो जेल से ऐसे व्यक्ति मुक्त भी हो सकते हैं। हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का पाठ यदि आप गठिया, बात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि से परेशान है, तो आप एक जल का पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान मंत्र। हनुमान मंत्र से हर तरह का भय दूर होता है। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप हम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। यदि आप ग्रह कलेश से परेशान हैं, तो आप एक उपाय करें जो मैं आपको बताती हूँ। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चारणा अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधा घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति कर देंगे। यदि आप शनि ग्रह से परेशान है, तो एक उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। यदि शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। इससे शनि ग्रह पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी का चमत्कारिक शाबर मंत्र। हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। इसका प्रयोग तभी करें जबकि यह सुनिश्चित हो कि आप पवित्र व्यक्ति हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। मैं आपको दो मंत्र बता रही हूँ, वो इस प्रकार है। शाबर अढ़ैया मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा हनुमान, बनगारे सजे मोड़े आन खड़ा। दूसरा शावर मंत्र है
ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। इन सभी मंत्रों की साधना के नियम है। समय, स्थान और मंत्र जाप की संख्या दिन को किसी भी योग्य पंडित या साधु से जानकर ही जप करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।